साहब चेयर। मैं जानता था तुम मेरे पास जरूर आओगे मिस्टर लिंगेश्वरन, किंग ऑफ खोडयूर। अब तुम वहां खड़े हो जहां तुम्हें होना चाहिए। आप लोगों को मेरे बाप दादाओं ने सही जगह खड़ा नहीं किया, इसलिए आज मैं यहां खड़ा हूं मिस्टर कलेक्टर। व्हाट्स द मैटर? दो बातें। नंबर वन, वेस्टर्न घाट में हुई बारिश का पानी तेजी से इस तरफ आ रहा है। पानी यहां पहुंचे उससे पहले डैम शटर इक्विपमेंट पहुंचने चाहिए, वरना तुम्हारा बनाया हुआ डैम बाद में बह जाएगा, इसकी फिक्र है? डैम नहीं, पूरा गांव बाढ़ में बह जाएगा, इसका डर है मुझे। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिले के कलेक्टर के नाते तुमने उन इक्विपमेंट्स को रोक रखा है। Why would I? ईगो। मुझे दिए हुए चैलेंज में तुम हार जाओगे, इस बात से डर रहे हो? I have no issue like that. तो फौरन परमिशन दे दो। Hi, ma'am. Hello. Okay. और तुम्हारी दूसरी समस्या? वो मेरी समस्या नहीं, जनता की समस्या है। मैंने रायकोटी की जो जमीन जमींदार से खरीदी थी, उसे आपकी ब्रिटिश सरकार ने छीन ली है। जमींदारों की कुछ खास जायदाद को छोड़कर बाकी सब ले लेनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब वो जमींदार की नहीं, जनता की जायदाद है। उससे पहले ही सरकार ने वो जमीन ले ली थी। वो तुम्हारी साजिश थी। 2 साल पहले की डेट में ऑर्डर जारी करके तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया। ओह, तो पता चल गया। तुम लोगों की नीयत सारा देश जानता है। So what? What do you want me to do? Simple. कलेक्टर होने के नाते बस एक ऑर्डर देना होगा कि वो खेती करने वालों की ही जमीन है। दे सकता हूँ, बट अब उस पर गवर्नमेंट का हक है। हम किसी फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करते। पता है। कितना चाहिए बोलो? उस जमीन की जो आज की कीमत है उसका दुगना चाहिए या 5 गुना चाहिए? 100 गुना चाहिए। 100 times। डैम के बनने से अब वो सोना उगाने वाली जमीन हो गई है। That would be its value tomorrow. रुकना नहीं, थकना नहीं, दर्द से तू डरना नहीं, दर्द सदा रहते नहीं रे, जुल्म से जो रुक जाए, मिट्टी में छुप जाए, वो दरिया बहते नहीं रे, जब रात का पर्दा फट जाएगा, आकाश चीर के सुबह होगी रे, दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा, दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा, छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले, तो तू यूं ही चलते रहना। अब ये तो नाइंसाफी है, हम लड़ेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, लंदन कोर्ट जाएंगे। उन सब बातों के लिए समय नहीं है, ये कोई एक आदमी का काम नहीं, बड़ी साजिश है। ओके, दे दूंगा, पूरे दे दूंगा, पर मुझे 4 दिन का टाइम चाहिए। 4 दिन किस लिए? मेरे पास कैश नहीं है, सिर्फ जायदाद है। पुल की फाइनल सेटलमेंट के लिए पैलेस का गोल्ड और सिल्वर भी बेचना पड़ेगा, ऊपर से तुम्हें इतनी बड़ी कीमत देने के लिए पैलेस को भी बेचना पड़ेगा, उसी के लिए टाइम चाहिए। किसी दूसरे को क्यों बेच रहे हो? पुल के लिए पैसे मैं दे दूंगा, उस पैलेस को मुझे ही बेच दो, विद ऑल गोल्ड सिल्वर फर्नीचर एंड फिटिंग्स। डन, कल ही पैलेस के कागजात लेकर आता हूं। वेट, जैनेट, कैन यू प्लीज टेक हर इनसाइड? कम अलोंग डार्लिंग। नो मम्मी, वोंट यू गो नाउ? Bye, Daddy. See you later, my dear. हमारी डील पूरी करने के लिए I have 2 conditions. Number 1, यहाँ जो भी बात हुई है तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे। मैं उन पीठ पीछे बात करने वालों में से नहीं जो आपके पीछे छुपा है। दूसरी शर्त बोलो। उस डैम को बनाने वाले तुम नहीं, हमारी ब्रिटिश सरकार ने उसे बनाया, ऐसा कहना होगा। मैं उस डैम की खातिर और गांव वालों की खातिर कुछ भी कर सकता हूं। ओके, अपना वचन पूरा करोगे ना? सी यू टुमारो।